दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम करंट अफेयर देख रहे हैं और हम अभी डेली करंट अफेयर्स ज़्यादा दे रहे हैं क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम है, इसीलिए हम दो तीन करंट अफेयर्स डाल देते हैं ताकि आप लोग का रिवीजन हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका ने जिस देश के व्यक्तियों के खिलाफ नए प्रतिबंधों का घोषणा किया वह कौन सा देश है? सीरिया है। इसरो साल 2025 में जिस ग्रह पर अंतरिक्ष मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है वह कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह। अगला क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कुशल COVID-19 प्रबंधन के लिए जिस भारतीय राज्य सरकार की प्रशंसा की वह कौन सा राज्य है? वह राज्य है ओडिशा। भारत नौ सदियों में इस्तेमाल होने वाले कच्चा माल सेफ्टिजोन सोडियम स्टेराइल की जिस देश से कथित डंपिंग की जांच शुरू किया वह कौन सा देश है? चीन है। विश्व शिक्षक दिवस वर्ल्ड टीचर्स डे जिस दिन मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। IPL में सुरेश रैना को पीछे छोड़कर जो सबसे ज़्यादा 194 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? महेंद्र सिंह धोनी बन गए। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में जिस राज्य का पहला स्थान प्राप्त हुआ कौन सा राज्य है? गुजरात है। हाल ही में IPL में 5000 रन पूरा करने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन बने? रोहित शर्मा बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में जिस सुरंग का उद्घाटन किया वह कौन सा सुरंग है? अटल सुरंग है। नासा ने भारतीय मूल के जिस दिग्गज अंतरिक्ष यात्री के नाम पर एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया वह कौन थी? भारतीय महिला के अंतरिक्ष वह कौन थी? वह थी कल्पना चावला। स्विट्जरलैंड के जिस टेनिस स्टार ने अपने कैरियर का 150वां ग्रैंड स्लैम जीता वह कौन था? स्टेन बाग रिंग का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने केनिया और जिस देश के साथ एक दूसरे के देश में विमानों के आवागमन की व्यवस्था एयर बलवम बबल स्थापित किया वह कौन सा देश है? भूटान है। इतनी शक्तियाँ में देनादाता के गीतकार और लेखक जो जिनका हाल ही में निर्धन हो गया वह कौन थे? अभिलाष थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने पर्यटक संजीवनी योजना की घोषणा की वह कौन सा राज्य है? असम है। अगला जो क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत ने हाल ही में उड़ीसा के बालासोर में जिस मिसाइल के नए संस्करण का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया वह कौन सा मिसाइल है? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अगले क्वेश्चन है, ब्रिक्स देशों के नव विकास बैंक NDB ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? 50 करोड़ डॉलर के। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों को कब तक निलंबित कर दिया है? 31 अक्टूबर तक। अगला क्या क्या पार्टनर्स ने हाल ही में रिलायंस रिटेल, इसको देख लीजिएगा, यहाँ पर छूट गया थोड़ा, माफ़ कर दीजिएगा। जिस राज्य सरकार ने लघु और सीमांत किसानों के लिए जल कल योजना शुरू किया वह कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, वेदांतु नामक ऑनलाइन ट्यूशनिंग प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया? आमिर खान को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने COVID-19 वैक्सीन के उत्पाद को 100 मिलियन खुराक से बढ़ाकर कितने मिलियन करने की घोषणा की है? 200 मिलियन के। कौन है? पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है देवयानी उत्तम खोबरा को। कौन सा है? देवयानी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देवयानी उत्तम खोबरा को। अगला क्वेश्चन है, फूड प्रोसेसिंग खाद प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए जिस राज्य के पलक्कड़ जिले में हाल ही में राज्य के पहले वेद्स के 20वें मेगा फूड पार्क की शुरुआत की गई है वह कौन सा राज्य है? केरल है। पहले वेद्स के 20वें मेगा फूड, जिस देश ने एस्टेरॉयड के खनन के लिए एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट स्पेस भेज रहा हुआ कौन सा देश है? चीन है। जिस देश में स्थित सितवे बंदरगाह का संचालन भारत अगले वर्ष की पहली तिमाही में कर देगा वह कौन सा देश है? म्यांमार है। अगला क्वेश्चन है, भारत जिस देश के हुमाले में 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल और 22,000 सीट वाले क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करेगा वह कौन सा देश है? मालदीव है। अगला जो क्वेश्चन है, बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने हाल ही में जिसे अपना ब्रांड बेस कर नियुक्त किया वह कौन है? सौरभ गांगुली है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए बॉलीवुड में जिस
मेगा स्टार को चुना हुआ कौन है? अमिताभ बच्चन है। अगला क्वेश्चन है, असम की जिस पहली और एकमत महिला मुख्यमंत्री हाल ही में निधन हुए कौन थे? सैयदा अनवरा तैमूर। अगला क्वेश्चन है, जिस राज्य सरकार ने तंबाकू की खपत को कम करने के लिए और सिगरेट एवं तंबाकू अधिनियम 2003 के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया हुआ कौन है? महाराष्ट्र सरकार है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे कब मनाया जाता है? 30 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लखनऊ के स्पेशल CBI कोर्ट ने मामले पर फैसला सुनाते हुए सभी जितने आरोपियों को बरी किया, कितने आरोपी हैं? 32 आरोपी हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने हाल ही में जिस देश में अपना कामकाज रोक दिया वह कौन है? भारत है। अगला क्वेश्चन क्या है, विदेश मामलों की संसदीय समिति का सदस्य हाल ही में जिसे चुना गया हुआ कौन है? हरसिमरत कौर बादल। अगला क्वेश्चन है, कुवैत के जिस शीर्ष राजनयिक एवं शासक हाल ही में अमेरिका के एक अस्पताल में निधन हुए कौन थे? शेख सवा अल अहमद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के जिस डायरेक्टर को फिल्म एवं टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस FTII सोसाइटी का अध्यक्ष और FTII गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के तौर पर नियुक्त किया हुआ कौन है? शेखर कपूर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए रेडियो का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया कौन सा राज्य है? ओडिशा है। अगला है, अगला क्वेश्चन है, सिवाय बैंक विकास बैंक ADB ने राजस्थान के शहरों में जल आपूर्ति एवं स्वच्छता के बुनियादी ढांचे और सेवाओं को वित्त पोषण के लिए कितने मिलियन ऋण की मंजूरी दी हुआ? 300 मिलियन है। अगला क्वेश्चन है, हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप के हाल ही में जितने साल पूरे कर लिए वह कितना साल पूरा कर लिया? 20 साल। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल खर्च को 2025 तक 1.15% बढ़ाकर जी कितना प्रतिशत कर दिया? 2.5%। हाल ही में भारत ने जिस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया हुआ कौन सा देश है? डेनमार्क है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में जितने करोड़ रुपए के हथियार एवं सैन्य उपकरण की खरीद की मंजूरी दी हुआ कितना है? 2290 करोड़ रुपये। अगला क्वेश्चन है, दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI ने अगले जितने साल के लिए PD बघेला को अपना नया चेयरमैन घोषित किया हुआ कितने कौन है? वह कितने साल के लिए? 3 साल तक के लिए। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी गृह मंत्रालय ने NIA के 3 अतिरिक्त शाखाओं को इम्फाल चेन्नई और जिस शहर में स्थापित करा हुआ मंजूरी। तीसरा राज्य कौन सा है? रांची है। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को। तो आप वीडियो देखने के, यदि मुझे वीडियो बनाने में कोई गलती हुई है तो माफ़ कर दीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कोई गलती हुआ तो